सत्संग स्थल में बैठे सत्संग प्रेमी बुजुर्गों माताओं प्यारे बच्चों, कल मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि आज विज्ञान के युग में भी, भौतिक युग में भी और वैज्ञानिक युग में भी आदमी की बुद्धि कैसे कुंठित होता चला गया और ब्राह्मणों ने कैसा इनका ज्ञान को हर लिया और आदमी गलत दिशा की ओर चला गया। साथ साथ ये भी कहा था कि असली देवी देवता और असली भगवान कौन है, और तीसरी बात ये भी कहा था कि आपके जीवन का शुरुआत आपसे होता है। मैंने कुछ उनके जो अंश है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि आपके जीवन के निर्माता आप कैसे हैं, आप अपने जीवन को कैसे किस दिशा में ओर ले जा रहे हैं और आपके जीवन का विकास कैसे होता है। कल उसमें से कुछ पहली बात मैंने कहा था कि आपके जीवन के निर्माण शुरू होता है खाना पीना और बोलना, ये तीन चीज से। और खाना पीना यदि खराब होगा तो बोलना खराब होगा, बोलना खराब होगा तो जीवन खराब होगा, और जीवन खराब होगा तो पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। जैसे खाए अन्न वैसे, जैसे आदमी खाता पीता है वैसे उनका मन बनता है, वैसे उनके अंदर विचार पैदा होते हैं और आदमी वैसा ही कर्म करता शुरू कर दे करना शुरू कर देता है। इसने मैंने कहा था कि आपके खाने में पवित्रता होनी चाहिए, और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। दुर्व्यसन का मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली शराब चरस बीड़ी सिगरेट गंजा, ये सारे चीज नहीं खाना चाहिए। ये मनुष्य का भोजन नहीं है, ये जानवरों का भोजन है। और अपने आप को मनुष्य में गिनते हैं तो ऐसे गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भोजन के लिए, हमारे भोजन के लिए किसी की हत्या नहीं होती हो, कितनी सौभाग्यशाली बात है। और हमारे भोजन के लिए यदि किसी की हत्या हो रही हो तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य को भोजन एक ऐसा भोजन है जिसके लिए हरी हरी सब्जियां हैं, अच्छे अच्छे चीज है खाने के लिए, मेवे मिष्ठान है, वो चीज खाना चाहिए। लेकिन आदमी क्या खाता है, गलत चीज खाता है। तो गलत चीज खा करके जीवन नहीं बन सकता है। या बैठे वृद्ध लोग ज्यादा हैं, इसलिए मैं कुछ प्रयास करूंगा कि हमारा जीवन कैसे सार्थक हो, और कुल कहना चाहिए तो बुढ़ापा सार्थक कैसे हो। आज हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप की भी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की गलतियां हैं। जो आज हमारे इस भारत देश में, जिस देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, उसी देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी भारत देश है जिसको धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ गंगा नदी कहा जाता है उतना मैला कुचला और गंदा किया जाता है। जिस देश के नदी को भगवान माना जाता है, जिस तीर्थ स्थल को भगवान का रूप देखा जाता है, तीर्थ स्थल देखा जाता है, वह गंदगी का पूरा जखीरा पड़ा होता है। और जिस देश में नदी को नाला को भगवान नहीं माना जाता, साउथ में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, इजराइल चले जाइए, दुबई चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, कहीं भी वहां साफ सुथरा दिखाई देता है। जब भगवान माना जाता है वही टट्टी और गंदगी करते हैं। ये आदमी की बुद्धि कैसी है, बुढ़ापा सार्थक कैसे हो। यही एक भारत देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, और वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप होते हैं जो अपने अपने ही बच्चे से पराये होते चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं, अपने ही बच्चे से प्यार नहीं पा पाते, अपने ही बच्चे से सम्मान नहीं पाते हैं, और माँ बाप अपने बच्चे के लिए तरसते रह जाते हैं, एक दुखद यात्रा के लिए चले जाते हैं। इसके जिम्मेदार कौन,
मैं समझता हूँ इसके अधिकतम जिम्मेदार हर माँ बाप है जो आज अपने बुढ़ापा को कंटिका कीर्ण की तरह दुखद बनाता चला जा रहा है। और जिसकी बुढ़ापा नहीं आया है, सबकी बुढ़ापा एक दिन आना निश्चित है। सभी अपने बुढ़ापा की तैयारी कर ले। बुढ़ापा एक ऐसा है जैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट एग्जाम पेपर में, अपने एग्जाम हाल में एग्जाम दे करके आता है, पेपर दे करके आता है, लेकिन जब उसका पेपर अच्छा बना होता है, उसके पहले जब उसकी तैयारी अच्छी होती है, तो पेपर के दिन नहीं घबराता है वो, और जब पेपर अच्छा बना होता है तो रिजल्ट के दिन नहीं घबराता। बुढ़ापा में क्या है, यदि जीवन को सही ढंग से जिया है, तो जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है तो बुढ़ापे में चेहरे में मुस्कान होती है, जहां जाता है वहां मुस्कुराता है, लोगों को हंसाता है, आनंद से जीता है। और जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है, जीवन में गलत काम किया है, पाप का काम किया है, न्याय और अत्याचार का काम किया है, पापाचार का काम किया है, लोगों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, वो आदमी बुढ़ापा में दुखद यात्रा झेलता है। आप जिम्मेदार हैं। कुछ माँ बाप है जो जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीते हैं, लेकिन उनके बच्चे खराब निकल जाते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पर भी आपके चेहरे पे मुस्कान हो सकती है। क्यों होगी मुस्कान? क्योंकि मैंने जो करना चाहिए था मैंने तो किया। मैंने जैसे कर्म करना चाहिए वैसे कर्म किया। मैंने जैसे बच्चों को संस्कार देना चाहिए वैसे बच्चों को संस्कार दिया। मैंने अपने जीवन को जितना तराशना चाहिए वैसे तराशा। बच्चों को जितना सुविधा और साधन देना चाहिए, जितना पढ़ाना और लिखाना चाहिए उतना पढ़ाया और लिखाया। और बच्चे नक्सलाइड और आतंकवाद जैसे काम करते हैं तो मेरी इसमें जिम्मेदारी नहीं है, उनका जीवन है। आपके चेहरे पे मुस्कान होगी क्योंकि आपने अपना कर्तव्य अदा किया है। अभी हमारे साहब कह रहे थे कि माँ अपने बच्चे को कितना लालन पालन करती है, कितने सुरक्षित रखती है, कितना प्यार से दूध पिलाती है, खिलाती है, पिलाती है, सब करती है। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या इतना बस से माँ बन गए? किसी के कोक से कोई बच्चा पैदा हुआ, इतने से कोई मात्र, इतने मात्र से कोई माँ हो जाती है? उनका पालन पोषण कर दिया, उनको खिला पिला दिया, इतना से कोई पिता बन जाता है? इतना से इनकी घर में कोई, किसी के घर में बच्चे पैदा होने से, किसी के नाती पोते आने से कोई क्या दादा और दादी हो जाते हैं? हकीकत कहा जाए तो बाहर रूप से हो जाते हैं, लेकिन नहीं। मात्र बच्चे पैदा होने से, मात्र दूध पिला देने से, बड़ा बना देने से, इतने मात्र से कोई माँ माँ नहीं हो जाती है, और पिता पिता नहीं हो जाता है, और दादा दादी दादा दादी नहीं हो जाते हैं, कोई चाचा चाची चाचा चाची नहीं हो जाती है। जब तक अपने अंदर मातृत्व भाव पैदा ना हो तब तक कोई माँ नहीं हो सकती, और जब तक अपने अंदर पितृत्व भाव पैदा ना हो तब तक कोई पिता नहीं बन सकता है। मातृत्व भाव का मतलब है ऐसा विशाल हृदय जो बच्चे को हर क्षण हर पल हर समय एक सही दिशा की ओर ले जाता हो। एक पिता है जो अपने बच्चे को हर क्षण हर पल हर समय सही दिशा की ओर ले जाता हो, और बच्चे के लिए अपना अपना जीवन निछावर कर देता हो, जो कभी गलत खाता नहीं है, गलत पीता नहीं है, गलत बोलता नहीं है, गलत सोचता नहीं है, गलत करता नहीं है। क्या ऐसे पिता पूजनीय नहीं होंगे? क्या ऐसे पिता के बच्चे अपने माँ बाप को चरण स्पर्श नहीं करेंगे? क्या ऐसे पिता की वंदना नहीं होगी? लेकिन कहाँ होता है, इधर बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इधर खा पी भी रहे हैं, गलत सेवन कर रहे हैं, इधर बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं, और चरण स्पर्श कर रहे हैं उस समय भी आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके मुंह में लाल लाल गुटका भरे हुए हैं, मुंह में गलगला रहे हैं, और क्या आशीर्वाद क्या देंगे आप? आपके मुख में गंदगी भरी हुई है और आपके बच्चे चरण स्पर्श करते हो, तो उस समय कौन सा आशीर्वाद देंगे? आपकी मुख ही गंदगी है। और जैसा हम खाते पीते हैं वैसा मन बनता है। हम जैसे खाएंगे वैसे हमारे मन में विचार पैदा होगा, और हम कहते हैं हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपके बच्चे आपका कहाँ मान जाए? कब बच्चे को जीवन की परिभाषा बताया है आपने?
कब बच्चे को जीवन का निर्माण कैसे करना है कला बताया है आपने, कब अपने परिवार में शांति का माहौल फैलाया है आपने, कब अपने घर में जब लड़ाइयां चलती रही होगी, एक दूसरे के बीच में टूटने का व्यवहार आ गया होगा, एक दूसरे में कटुता चल रही होगी, एक दूसरे में विवाद पैदा हो गया होगा, तब शांति का माहौल कब आपने पैदा किया है? आपके बच्चे आपका कैसे काम आएंगे? कौन सा आदर्श है आपके बच्चे आपसे पूछे कि पापा आप बता दीजिए आपके पास कौन सा आदर्श है जिसे मैं अपने अपने जीवन में स्वीकार करूं, तो आप कौन सा उत्तर देंगे? आपके पास कोई आदर्श है? आपके बच्चे आपसे पूछे कि माँ मेरे पास, माँ आपके पास कौन सा ऐसा आदर्श है जिसको मैं स्वीकार करके अपने जीवन को सफल समझूं, कौन सा आदर्श है? आप अपने आप से पूछिए। क्या आप कटु नहीं बोलते? क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आपके लफ्जों में गाली नहीं आती है? क्या आपके घर में दरार में जठान में टक्कर नहीं होता है? क्या आपके घर में भाई और भाई में विवाद नहीं होता है? क्या आपके घर में पिता और पुत्र में विवाद नहीं होता है? क्या आप पड़ोसी और पड़ोसी के साथ नहीं लड़ते हैं? क्या आप नाती और पोते नहीं लड़ते हैं? कौन सा है आदर्श आपके पास? जिंदगी बुढ़ापे की ओर चली गई, जीवन खत्म होने वाला है, जीवन को हमने सही ढंग से नहीं जिया है, जीवन को हमने दोहन किया है, जीवन को गलत ढंग से जिया है, तो कौन सा आदर्श लेकर के हम अपने बच्चे को कहेंगे कि हमारे पास इतने अच्छे आदर्श है? कौन सा आदर्श है आपके पास? इसलिए आपसे प्रथम बात मैंने कहा कि आपके खाने पाने में, खान पीने में पवित्रता हो, आपके आचार विचार में पवित्रता हो, आप ऐसा खाए ऐसे पिए ऐसे बोले ऐसे चले कि आपके बच्चे आप उन चीजों को अनुकरण कर सके, आपका बोलना आपका खाना आपका पीना आपका चलना अनुकरणीय हो, आपका हर कर्म पूजा हो। सद्गुरु कबीर ने कहा है इसलिए जो कुछ करो सो पूजा पूजा समझ करके करो। माताएं अपने बच्चे को भोजन कराए पूजा समझ करके भोजन कराए, माता पिता को भोजन कराए पूजा समझ करके भोजन कराए, घर में अतिथि का सम्मान करे पूजा करे भोजन 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 कराए भोजन बनाए पूजा समझ करके। और महात्मा गांधी ने कहा है कि हम जो कुछ भी करे वो पूजा हो। आप घर के टॉयलेट की भी सफाई करो तो आप समझो पूजा समझ करके टॉयलेट की सफाई कर रहा हूँ। आप जब स्नान करते हो तब भी समझो कि मैं पूजा समझ करके स्नान कर रहा हूँ। आपका हर कर्म पूजा होना चाहिए। क्या होता है हमारे हर कर्म पूजा के लायक है? हमारे मुख में कटुता तो नहीं है? यदि हमारे मुख में कटुता होगी तो जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। हमारे मन में कटुता होगी तो हमारे जीवन में कटुता आएगी, और जीवन में कटुता होगी तो जीवन में सुख और शांति को महसूस ही नहीं कर सकते। एक जगह एक चींटी चीनी के पहाड़ पे चली गई और पहाड़ पर चली गई और अपने साथियों से कहती है, भैया हम चीनी के पहाड़ पर है लेकिन आप लोग जब खाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो कहे चीनी के पहाड़ में और क्या महसूस होगा, चीनी है तो मीठा लगेगा। लेकिन वो कहती है चींटी, भैया मुझे तो नमकीन ही लग रहा है। तो उनके भाई पूछते हैं, भैया तुम ये बताओ भाई कि तुम अपने मुख में क्या दबा करके रखे हो? मेरे मुख में मैं रास्ते से आ रहा था तो सोचा आगे जाकर के कुछ खाने मिले पीने मिले या न मिले, इसलिए मैंने नमक का गड़ी अपने मुख में दबा लिया हूँ। तो कहे तुम जब मुख में नमक की गड़ी दबाए हो तो तुमको चीनी कहाँ समझ में आएगा, मिठास कहाँ समझ में आएगा? हमारे मन में यदि कटुता भरी हुई है तो हमको कहाँ जीवन में रस आएगा? जीवन में रस नहीं आ सकता है। बुढ़ापा एक सुखद यात्रा है हमारे जीवन की। बुढ़ापा एक सुखद यात्रा है जहाँ यदि हमारे वाणी में संयम होगा, जीवन में संयम होगा, खाने पीने में संयम होगा, तो आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे, आपके नाती पोते आपसे प्यार करेंगे। जैसे ही नाती पोते स्कूल से आएंगे आपका अपना बिस्तर अपना पुस्तक कापी रखेंगे और आपके पास दौड़ करके आ जाएंगे, दादा क्या कर रहे हो? लेकिन आपके मुख में कटुता है, आप बीड़ी का सिगरेट का धुआं उड़ाते हो, आप गांजा का दम लेते हो, गुटखा और तंबाकू खाते हो, कहेंगे दादा के पास नहीं जाएंगे, उनके पास तो बदबू ही आती है, बदबू ही आती है। खाने पीने में पवित्रता हो, आपका खाना पीना एकदम साफ हो। आपको मैं बताऊं, गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। इतना जानवरों में डिसिप्लिन है, इतने जानवरों में संयम है,
कि जानवर जो प्रकृति द्वारा निर्धारित वही ही चीज खाता है और आदमी कैसा है, ये क्या है, मैं नहीं कहूंगा क्या है, आप जानिए आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, कैसे करते हैं, आपका कर्म जान जाए। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप बुढ़ापा की सुखद यात्रा चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर लीजिए, बुढ़ापा कैसे जीना उसकी तैयारी कर लीजिए, अभी से तैयारी कर लीजिए। यदि आज आप मृत्यु को सोचते हैं, मृत्यु को देखते हैं तो मृत्यु में घबराएंगे नहीं। आज आप बुढ़ापा को देखते हैं कि बुढ़ापा में मेरा असहाय हो जाऊंगा, हो सकता है बुढ़ापे में मेरा कोई साथ नहीं दे पर भी मेरा मन मेरा साथ होगा, तो आपके मन में प्रसन्नता होगी, आपका जीवन सुखद होगा। कुछ बुढ़ापे में देखिए, जब पेड़ में फल लदे होते हैं तो फल लदे होते हैं, फल जितने पकते जाते हैं फल मीठा होता चला जाता है, लेकिन बुढ़ापा में क्या होता है, जब हमारा जीवन मिलता है तो जीवन मिलने के बाद शरीर जितना पकता जाता है, शरीर जितना पकता जाता है, वाणी में उतनी कटुता आती चली जाती है। एक छोटा सा बच्चा है, वो प्यार से बोलता है, तुतला करके बोलता है, उनकी बातें सब सुनना चाहता है, लेकिन एक 80 वर्ष का बूढ़ा है, वो बोलता है तो कर 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 की आवाज आती है, उनके बातें उनसे कोई बात नहीं करना चाहता है, उनसे प्यार से मिलना नहीं चाहता है, इन बूढ़ा के पास जाओ तो चालू हो जाता है महापुराण, उनकी शिकायत उनकी शिकायत उनकी शिकायत, क्यों शिकायत करके अपनी जिंदगी को आप नरक बनाते हैं। आपसे मैं पुनः कहूंगा, आपके बेटी हो, आपके बेटे हो, आपके बहू हो, आपके दामाद हो, आपके नाती हो, आपके पोते हो, आपके पड़ोसी हो, आपसे प्यार करे, आपसे सम्मान करे, आपसे समझ के बर्ताव करे, पर भी कभी आप उनके निंदा और कभी करना, आपका जीवन और नरक बन जाएगा। यदि आपका बेटा आपका कहा नहीं मानते हैं, आपके बहू आपका कहा नहीं मानते हैं, पर भी उनकी निंदा चुगली मत करना, क्योंकि यदि आप निंदा चुगली करते हो तो कहीं लौट करके आपके बेटे और बहू के कानों में आता है कि मेरे पिताजी मेरे बाले में गली गली में चौराहे में बैठ करके ऐसी ऐसी चर्चाएं कर रही थी, तो थोड़ी बहुत जो श्रद्धा रही होगी ना, वो भी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। जब आप पानी मांगते रहे होंगे, बेटा थोड़ा गर्म पानी दे दो करके, तो ला करके देते रहे होंगे गर्म पानी, लेकिन आप गर्म पानी मांगोगे ना तो फ्रिज से पानी निकाल करके दे, लो बुढ़ा पियो गर्म पानी। आप अपने बहू और बेटों की कभी निंदा चुगली मत करना। खाने में पवित्रता, मैं इस चीज पर बहुत कई बार कह रहा हूँ, हमारे जीवन में खाने के लिए इतनी इतनी अच्छी चीज है, आपके मुंह में लिप्सापन ना हो, खाने में लोलुपता मत हो, आपको तीन टाइम भोजन मिलेंगे, आपके बहू बेटे आपको प्यार से भोजन दे देंगे, उसकी चिंता मत करना, जो देंगे प्यार से खा लेना, ये मत कहना भोजन सही नहीं बना है, भोजन में मिठास नहीं है, नमक ज्यादा हो गया है, नमक कम हो गया है, तेल ज्यादा हो गया है, तेल कम हो गया है, तीता ज्यादा हो गया है, कड़वा ज्यादा हो गया है, ये शिकायत मत करना, ये शिकायत करना आपके लिए दुखद होगा। आप जो आपके बहू और बेटे दे उसे प्यार से खा लेना, आपके बहू बेटे खुद खा करके महसूस करेंगे कि हमने इतना भोजन बनाया और भोजन में नमक भी नहीं है, पर पापा ने बोला नहीं, कितने अच्छे हैं, आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। नमक ज्यादा है पर भी पापा ने नहीं बोला, मम्मी ने नहीं बोला, आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। बुढ़ापा की सुखद यात्रा है ये, बुढ़ापा को जिए, आनंद से जिए, बुढ़ापे में चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए, तो बुढ़ापे में शिकायत भरी जिंदगी जीते हो आप। और जितना आपकी वाणी में संयम होगा, सद्गुरु कबीर ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे, आपो ही शीतल होए। जब आपस में लड़ाइयां होती है और लड़ाइयां होती है तो बूढ़े बुजुर्ग लोग को चाहिए कि बहुत मीठे और चुन करके शब्दों को बोलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने जीवन के अनुभव को इतना प्यार से बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, गंभीर बोलना चाहिए, लेकिन 80 साल के बुढ़ापा को मिनट भर में खत्म कर देते हैं, ऐसे कड़वे और तीते वचन बोलते हैं कि वही उनकी घर टूट करके बिखर जाता है, वही अपने अपने ही परिवार में अपने ही पुत्र से आप पराए हो जाते हो, आपके ही पुत्र आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, और तब ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको वृद्ध आश्रम में भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको घर में जोते प्यार से खा लो,
डिमांड मत करो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और अपने घर में जो मिले प्यार से खा लो, कटु मत बोलो। बोलना एक ऐसी कला है जो बड़े बड़े घर को बना करके रखता है, और बोलने की कला नहीं आई ना तो बड़े बड़े और अच्छे घर टूट करके बिखर जाते हैं। घर टूटने में समय नहीं लगता, घर बिखरने में समय नहीं लगता है यदि बोलने की कला सही नहीं होती है तो। बोलने की ही कला है जो हमारे भारत देश में जो महाकाव्य है, आपको बताऊं दोनों महाकाव्य की बात है। बोलने की कला नहीं थी, बोलने की तमीज नहीं थी, इसलिए महाभारत युद्ध होता है और इसलिए सीता हरी जाती है। इसलिए हमारे महाभारत युद्ध होता है और सीता हरी जाती है। उदाहरण बताऊं आपको, जब राजसिक्य होना था तो राजसिक्य होना था, वहां पर पांचों पांडव ने एक ऐसा, युधिष्ठिर ने पांचों पांडव ने एक ऐसा ऐसा राजमहल बनाया था जहां जहां राजमहलों में जल थल दिखाई देता था, थल जल दिखाई देता था, जहां दीवाले नहीं वाली दीवाली दिखती थी, जहां दीवाल है वहां दीवाल नहीं दिखता था, एक ऐसा चित्रित किया गया था जो पाठों पाठ पुराणों में आया है, उसको मैं बता रहा हूं। बच्चे यहां बैठे हैं, ए बच्चे, जो बच्चे शांति से बैठ सकते हैं बैठो, अन्यथा पीछे चले जाओ। मैं जानता हूँ ये बच्चों की बात नहीं है, शौक से बैठ गए हैं, बच्चों की कान में समझ में नहीं आएगी, लेकिन बैठो हो तो कम से कम बैठने की आदत डालो, आपको कुछ न कुछ बातें मिलेगी। ये सारी बातें आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप लोग अपने जीवन में अमल करिए इसको। मैं कोई कहानी और किस्सा नहीं बताना चाहता, मैं किसी जीवन के ऐसे चीजों को बता करके अपना समय को व्यर्थ नहीं बहाना चाहता। मुझे बेशकीमती समय मिला है, आज मेरे पास समय है, आधा पौन घंटा की समय है मेरे पास बस। इसके बाद में आप चाहेंगे कि आप कहें, आपकी बातें सुनूं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। कल आप चाहेंगे कि कल और कुछ हो जाए, कल इतना समय हम यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रहेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज अवसर मिला है। बड़े बड़े पंडित पुराण लोग कहने वाले होते हैं भगवान की महिमा, इसकी महिमा उसकी महिमा बताएंगे, कब जीवन की महिमा कब बताएंगे आप? इसकी कथा उसकी कथा, जीवन की कथा तो बताना चाहिए। जीवन को कैसे जीना है ये चीज ही नहीं बताते हैं, मूल चीज को छोड़ देते हैं। ये देवता के बारे में, वो देवता का चरित्र हरण, वो देवता का चरित्र हरण, और अच्छे अच्छे महापुरुषों को गलत ढंग से साबित कर देते हैं। पुराण कथाओं में कहने वाले श्री राम श्री कृष्ण के चरित्र को इतना धूमिल कर देते हैं, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को धूमिल नहीं करना चाहिए। आइए मैं अपनी बात पर आऊं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति जहां ये जिस व्यक्ति यहां जितने लोग बैठे हैं, सभी के जीवन में यदि कोई दुर्घटना ना घटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो सब लोग बुढ़ापा देखेंगे। कोई दुर्घटना ना घटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो सब लोग बुढ़ापा देखेंगे। इसलिए बुढ़ापा को कैसे जीना है इसका सूत्र बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, खाने पीने में संयम हो, बोलने चालने में संयम हो। बोलने में संयम नहीं होता, उसका परिणाम बहुत दुखद होता है। हमारे भारत देश में महाभारत युद्ध हुआ, बोलने में संयम नहीं था, इसी का परिणाम है। दुर्योधन राजसिक्य कर रहे थे, वहाँ दुर्योधन को बुलाया गया था, युधिष्ठिर राजसिक्य कर रहे थे वहाँ। दुर्योधन उस महल में आता है और मैंने बताया चित्रण ऐसे किया गया था कि जल थल थल जल जाता। दुर्योधन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, वैसे ही उनको समझ में आता है कि जैसे खाली दिख रहा था उधर आगे बढ़ता है तो उनको दीवार महसूस होता है, उधर लौट जाता है, फिर लौट करके फिर दूसरे तरफ चलना शुरू करता है और चलना शुरू करता है। दासिया वहां खड़ी हुई है, दासिया खड़ी है, आगे जा रहा था थल की ओर, जल की ओर जा रहा था। इतना में कहते हैं दुर्योधन खड़ा है वहां, दुर्योधन जा रहा है, दासिया खड़ी है, दुर्योधन आगे बढ़ता चला जा रहा है। दासी कहती है, महाराज आगे मत जाइए, आगे कीचड़ है, पानी है। दुर्योधन अहंकारी आदमी, अहंकार कभी काम नहीं आता है। वो क्या बोलता है, हट दासी तुम मुझको समझाओगे?
और वो आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही पानी पानी में गिर जाता है, कीचड़ से लथपथ हो जाता है। उधर से जोर से हंसा करके हंसती हुई उधर से द्रौपदी कहती है, अंधे के अंधे पुत्र पूरा महाभारत युद्ध होता है। मात्र अंधे के अंधे पुत्र कहे थे, इतने में ही दुर्योधन सोच लिया था चाहे जिस किसी प्रकार से एन प्रकार मुझे इन पांडव का विनाश करना है। और पूरा महाभारत युद्ध हुआ, यहाँ तक पांडव ने अंतिम में मात्र 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा बिना लड़ाई के मैं सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता। तुम 5 गांव मांगते हो, 5 गांव मांगते हो। आत्मीय बंधुओं, बोलने में संयम चाहिए। आप जितना प्यार से बोलेंगे दुश्मन भी आपके पराये हो जाएंगे। आप जितना प्यार से बोलेंगे पड़ोसी आपसे प्यार करेंगे, आपके आने वाले मेहमान आपसे प्यार करेंगे, आपके इस साइड रहने वाले लोग आपसे प्यार करेंगे। और आपको बोलने की कला नहीं आई, आप कटुता बोलना शुरू कर दे, कर की आवाज शुरू कर दे, प्यार से नहीं बोले खींच करके बोलेंगे, तो आपके बहू और बेटे भी आपसे पराये हो जाएंगे, आप घर से घर हो जाओगे, कोई देर नहीं लगेगा। दूसरी घटना है, हमारे भारतीय परंपरा में चलता है श्री राम और श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण की कहानी है ये। जब श्री राम को वनवास होता है, श्री राम वनवास चले जाते हैं और साथ में उनके लक्ष्मण जाते हैं और माता सीता जाती है, और माता सीता और लक्ष्मण साथ में है, और वहीं कहीं जंगल में किसी को पता चलता है कि एक सुंदर युवक आया है। शूर्पणखा आती है, देखती है, उस पर मोहित हो जाती है और उनसे कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, श्री राम कहते हैं मैं तो शादी शुदा हूँ, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण को वही बात कहती है एक बार दो बार कहती है, नहीं मानने पर लक्ष्मण उनके नाक कान काट देते हैं। इतना में जाकर के शूर्पणखा वहां जाती है रावण के पास में और रावण को बताती है कि भैया जंगल में एक रूपवती स्त्री आई है, बहुत सुंदर स्त्री है, आप उनको घर में ला लो। और वहां चली जाती है, वहां रावण चला जाता है सीता को हरने के लिए चला जाता है। और सीता को हरने के लिए चला जाता है, लेकिन सीता को हरने की ताकत उस पर नहीं है। वो जानता है कि ये लोग बहुत शूरवीर है, इनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो करता क्या है, मारीच को हिरण का रूप धारण करके भेजता है और रावण मारीच चला जाता है। और रावण मारीच को देखते हैं, सीता देखती है और कहती है मुझे यह स्वर्ण कंबरीक चाहिए, बहुत सुंदर है। लक्ष्मण इतने में कहता है श्री राम से कहती है सीता माता कि मुझे यह स्वर्ण मृग चाहिए। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारी भाभी को यह स्वर्ण मृग पसंद है, इसको लाना होगा। लक्ष्मण कहते हैं भैया ये राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, यहाँ कोई स्वर्ण मृग होता नहीं है, कोई जालसाज है, इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। श्री राम कहते हैं तुम्हारी भाभी को पसंद है, चाहे जैसे हो भी हो इसको लाना होगा। और जाता है श्री राम जाता है, जैसे ही मारीच को बाण मारता है, श्री राम के आवाज में लक्ष्मण पुकारता है। माता सीता घबरा जाती है और कहती है जाओ तुम्हारे भैया विपत्ति में है और तुम अपने भैया की रक्षा करो। लक्ष्मण कहता है भैया को कोई विपत्ति नहीं हो सकती, आप उसकी चिंता मत करिए, आप आराम से रहिए। बार बार कहने पर जब लक्ष्मण नहीं जाता है तब माता सीता बोलती है तुम लोग पहले से भरत और तुम लोग पहले से अयोध्या में मीटिंग कर चुके थे कि श्री राम को मार देंगे और माता श्री राम को मार लेंगे और सीता को अपना लेंगे, मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाली हूँ। तुम कुल के नीच हो, कुल के अंगार हो, ऐसे ऐसे कटु वचन बोलना शुरू कर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, वो उनकी पत्नी है, उनको ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत थी।
पर ऐसे कटु वचन बोलती है। वो कहते हैं तुम लोग कुल के नीच हो, कुल के अंगार, जैसे कोई आदमी गर्म शीशा को गोल करके गर्म गर्म कांडों पे डाले तो कितना चुभन होता हो, ऐसे ऐसे कटु वचन बोलना शुरू कर देती है। इतना में लक्ष्मण चले जाता है, कहते हैं अब अपने भाभी से कि मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल के बाका नहीं कर सकता तुम्हारा, बस तुम इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। और लक्ष्मण चला जाता है। जैसे ही लक्ष्मण जाता है, श्री राम बीच नहीं है, रावण ब्राह्मण का वेश धर के लक्ष्मण सीता को हरने के लिए आ जाता है। जैसे ही प्रवेश करना चाहता है, वो जानता है कि मैं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा लक्ष्मण रेखा के अंदर। तो रावण कहता है कि भिक्षाम देही, और भिक्षा मांगते हुए कहता है। और तब सीता बोलती है, माता सीता बोलती है, हे ब्राह्मण आप यहाँ आकर के भिक्षा ले लो। रावण बोलता है, जब तक तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर ना हो तुमसे मैं भिक्षा नहीं ले सकता, और तुमको बाहर आकर के ही लेना होगा। और माता सीता जैसे ही उससे बाहर निकलती है, उनको रावण हर करके ले जाता है। यदि कटु वचन नहीं बोलती तो माता सीता नहीं हरी जाती। आप भी कटु वचन नहीं बोलते तो आपके घर में तांडव नहीं मचता। आप भी कटु वचन नहीं बोलते तो आपके बच्चे आपसे प्रेम करते, आपके बहू आपसे प्रेम करते, आपके नाती पोते आपसे प्रेम करते, लेकिन आपने कटु वचन बोल करके जीवन को बर्बाद कर दिया, जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाणी में मिठास हो, वाणी करकर ना हो। सदगुरु कबीर की मैंने पंक्ति कही कि ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, आवरण को शीतल करे आपो ही शीतल होए। ऐसे वाणी का हमेशा उपयोग करना कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, अपने आप को अच्छा लगे और अहंकार खत्म हो जाए, आवरण को शीतल करे आपो ही शीतल होए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, ऐसे वाणी का उपयोग करना जो कि बोलने पर औरण औरों को शीतलता प्रदान मिले, औरों को शीतलता महसूस हो और आपको भी शीतलता महसूस हो। ऐसे वाणी का उपयोग करना, क्या हम ऐसे वाणी का उपयोग कर पाते हैं? ऐसे वाणी का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा बुढ़ापा कठिन और तकलीफ होता चला जाता है। बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है, शांति से भजन करना चाहिए, शांति से आत्मचिंतन करना चाहिए। ये बुढ़ापा है, शरीर जर्जर होते चला जा रहा है, थोड़ी दिन की जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी में मुझे किसी के साथ नहीं उलझना है, मुझे शांति से जीवन को जीना है, ये आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन ये आत्मचिंतन और भजन होता नहीं है, क्योंकि जीवन को गलत ढंग से दोहन किया गया है, जीवन को गलत ढंग से जिया गया है, इसलिए आत्मचिंतन नहीं होता है। और बुढ़ापा में कर कर की आवाज करना शुरू कर देते हैं, आपका बुढ़ापा दुखद होता चला जाता है। आपके पास बुढ़ापे में पैसा ना हो, आपको बुढ़ापे में कोई सैलरी ना मिलता हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास में अमृत की तरह, शहद की तरह मीठे वाणी का सैलरी होना चाहिए, मीठे वाणी का पेंशन होना चाहिए आपके पास, जो आप औरों को बांट सके। लेकिन आपके पास में कटुता का बैंक बैलेंस भरा हुआ है, आपके पास में एक जखीरा पड़ा है कटु वाणी का, जो जीवन भर आपने बोला है। क्यों जीवन को आप गलत ओर ले जाते हैं और दोष देते हैं? बच्चे हमारा कहा नहीं मानते? मैंने पहले ही कहा कि आपने बच्चों को कब पाठ सिखलाया है? आप बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आप गलत करके बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप गलत खाके गलत पी करके गलत बोल करके बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए आप अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, तब आप बच्चों को सही शिक्षा देंगे। बच्चे आपके जीवन का बैंक बैलेंस है, आपके बुढ़ापे के लिए। आपके बैंक में कितना बैलेंस है बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। बुढ़ापे में आपके बैलेंस में, आपके बैंक में कितना बैलेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। लेकिन आपके बुढ़ापे में यदि बच्चे के अंदर सही, आपके बच्चे ही आपके बैंक, आपके बैलेंस है। आपके
बुढ़ापा ही आपके आपके बुढ़ापे में यदि आपने अपने बच्चे के जीवन में सही संस्कारों का बैलेंस इकट्ठा किया है, सही संस्कारों को उनके अंदर इकट्ठा करते चले गए हैं, तो वो बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। बुढ़ापे में उस तिजोरी से आपको सही चीज मिलेगा, लेकिन आपने उनके अपने बुढ़ापे में अपने बुढ़ापे में अपने जवानी में अपने बच्चे के अंदर एक ऐसा चीज इकट्ठा किया है जो आपके लिए काम नहीं आ रहा। आपने सही चीज इकट्ठा ही नहीं किया। मैं कहा करता हूँ लोगों से कि आपके बुढ़ापे की लाठी है या आपके घर के बच्चे, आपके बुढ़ापे की लाठी है आपके घर के बच्चे। आप बच्चों को सही संस्कारित करिए। बार बार मैं इस चीज को जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि बच्चों को सही संस्कार दीजिए। आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे काम आएंगे। आप बच्चे को मोबाइल मत दो, कार मत दो, दो दिन चार दिन रोएंगे, गाड़ी मत दो, दो दिन चार दिन रोएंगे, और बच्चे को आप संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे। बच्चे को कार नहीं, बच्चे को संस्कार चाहिए। क्या बच्चे को संस्कार देते हैं? संस्कार देने का मतलब इतना ही नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं, अच्छी पढ़े लिखे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, उनके पास डिग्रियां हो जाती है, उनके पास नौकरी हो जाता है, पैसा कमाना शुरू कर देता है। इतना ही संस्कार नहीं है। ये तो बाहरी चीज है, ये तो बाहरी चीज है। ये तो जिनके माता पिता नहीं है वो लोग भी अनाथ बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, अनाथ बच्चों को भी नौकरी दिलवा देते हैं। और आपके बच्चे आप भी वही करें, अनाथ बच्चों की तरह आप पालन पोषण करते गए, सिर्फ पढ़ा लिखा दिए, सिर्फ नौकरी दिलवा दिए, सिर्फ पैसा कमाने का तरकीब सिखा दिए, तो आपने क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। बच्चों को जीवन जीने की तरकीब सिखलाई। कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे वाणी वर्ताव करना है, कैसे जीवन को संचालन करना है, ये पाठ आपने बच्चों को सिखलाया ही नहीं, तो कैसे आपके बच्चे आपसे प्यार से बात करेंगे? प्यारे बच्चों, और यहाँ बैठे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप जो चीज अपने जीवन में करते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। आपके जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई होती है। आप जीवन में जो दूसरे के जीवन में बोते हैं, इस बात को सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। आप अपने जीवन में जैसे भी जिए, लेकिन आप जो दूसरे के जीवन में, फिर से सुने, आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। आप दूसरे के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में वही फसल आप काटते हैं। अभी आपने क्या बोया है? बगल में धान लगा है, बगल में भुट्टा लगा है, काटते समय आप तिल और अरहर काटेंगे क्या? भुट्टा काटेंगे और धान काटेंगे ना कि गेहूं तिल अरहर काटेंगे? यदि आपने दूसरे के जीवन में प्रेम का बीज रोपित किया है तो आप अपने जीवन में प्रेम का फसल काटेंगे। यदि आप दूसरे के जीवन में करुणा का बीज रोपित किया है, आदर और सम्मान और सत्कार का बीज रोपित किए हैं, तो अपने जीवन में भी करुणा का बीज और आदर और सम्मान और सत्कार का बीज काटेंगे, फल फसल काटेंगे। आप कौन सा बीज रोपे हैं? आप अपने खेतों में देखते हैं कि आप फसल लगाते चले जा रहे हैं, फसल लगाते चले जा रहे हैं, पैदावारी अच्छी नहीं हो रही है, आप दूसरा फसल काटना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप? पानी को बदलते हैं, फसल बदल जाता है। पानी बदलने से फसल नहीं बदलता, खेत बदलने से फसल नहीं बदलता। आप क्या करते हैं? बीज को बदल देते हैं, बीज को बदल देते हैं, अच्छे नस्ल के बीज डालते हैं, अच्छे नस्ल के खेती करते हैं, अच्छे नस्ल के पौधे लाते हैं और उसमें डालते हैं, तो अच्छे फसल आप काटते हैं। आपके जीवन में प्रेम का फसल चाहिए, करुणा का फसल चाहिए, सम्मान का फसल चाहिए, इंसानियत का फसल चाहिए, तो दूसरे के जीवन में वही बोना शुरू कर दीजिए। आप कौन सा फसल बोए अभी तक? कितने लोगों को आपने सम्मान दिया है? हम चाहते तो है सम्मान, हमने कितने को सम्मान दिया है? कितने को सम्मान दिया है? हम चाहते हैं प्रेम का वर्ताव, हम कितने के साथ प्रेम का वर्ताव किए हैं? हम कितने कटु बोलते हैं वही कटु तो हमको मिलेगी ना। हमने कटुता का फसल बोया है तो कटुता का बीज बोया है तो कटुता का ही फसल काटेंगे। अब क्या करना है? बुढ़ापा सुखद चाहिए तो
आप कटुता का फसल नहीं बोलना है, अहंकार का फसल नहीं, अहंकार का बीज नहीं बोना है, अहंकार का बीज रोपित नहीं करना है, कटु का बीज रोपित नहीं करना है, घृणा का बीज रोपित नहीं करना है, मीठे वाणी का बीज रोपित करना है, प्रेम का बीज रोपित करना है, दया और क्षमा का बीज रोपित करना है, आदर और सम्मान और सत्कार और प्रेम का बीज रोपित करते चले जाना है, आपको वही फसल काटने को मिलेगा। आपने कौन से बीज रोपा है? आज आपको यदि तकलीफ मिल रहा है तो वो आपकी जीवन की कमाई है। आपने कहीं ना कहीं वो बीज रोपा है, वही आप फसल आज काट रहे हैं। दूसरे को दोष मत दो, दूसरे को दोष देने का हक नहीं है आपको। आप आज आपको जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है आपके करनी का फल है, आपके करनी का फल है। यदि आज दुख मिल रहा है तो दुख हमने बोया है, तब हम दुख का फसल काट रहे हैं। मैं एक चीज कहूं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम सोचते हैं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमको नहीं मिलता है। ध्यान मेरी तरफ दे, हमको क्या मिलता है? हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। फिर से मेरी बात समझे आप एक बार, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। कैसे बताऊं मैं? सभी लोग चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, सभी लोग चाहते हैं कि मैं अफसर बन जाऊं, खूब पैसा कमाऊं, लेकिन सब लोग अफसर नहीं बनते हैं, सब लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है, सब लोग को वो चीज नहीं मिलती है। किनको मिलती है? जो व्यक्ति उस योग्य होते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती है। जो व्यक्ति उस योग्य होते हैं वो पैसा कमाते हैं। दुनिया में बहुत से, हर दुनिया में शादी विवाह हो जाने के बाद हर माँ बाप चाहते हैं कि हम लोग माता और पिता बन जाए, लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि कुछ माँ के बच्चे, कुछ माँ के कोख में बच्चा ही नहीं आता, क्योंकि उसकी योग्य ही नहीं है वो। कहीं ना कहीं उनके जीवन में कमी है, कहीं ना कहीं उनके शारीरिक कमी है, इसलिए उनके जीवन में, उनके कोख में बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। तो हमको क्या मिलता है? जिसके हम योग्य होते हैं वही हमको मिलता है। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाओ सभी लोग। मैंने कहा बुढ़ापा सुखद बनाइए, और मैंने ये भी कहा कि हमको वही मिलता है जो हम करते हैं। फिर से कहूं मैं, आप अपने माता पिता को, यहाँ बैठे सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने माता पिता को, इतना बुढ़ापों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए मैंने बताया कि वाणी में मिठास हो, खाने पीने में अच्छाई हो, जीवन में प्रेम हो, जीवन में सरलता और सहजता हो, लेकिन आने वाले अभी वर्तमान में जो यंग पीढ़ी है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप बुढ़ापा सुखद चाहते हैं आप भी, तो आपके घर में वृद्धों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए आज। आपके घर में वृद्धों को तिरस्कृत मत करिए, आपके घर में वृद्धों को सम्मान दीजिए, माता पिता के, माता पिता की चरणों में मत्था टेकिए, माता पिता को हार चढ़ाइए, माता पिता के गले में हार चढ़ाइए, माता पिता की आरती उतार लिया करे, यही असली देवी देवता है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माता पिता को कभी तिरस्कृत मत करना। वो सौभाग्यशाली पुत्र होगा जो अपने माँ बाप की कहा मानता होगा, वो सौभाग्यशाली पुत्र है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वो सौभाग्यशाली पुत्र है जो अपने माता पिता का लालन पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है। यदि आज आप ये करते हैं तो कल आपके साथ आपके बहू बेटे आएंगे, आपके साथ भी वही होगा। यदि आज अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, माता पिता को सही भोजन नहीं दे पाते हैं, माता पिता की पूजा और आरती नहीं कर पाते हैं, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे बर्ताव करेंगे। तब ये मत कहना कि मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते हैं, ये मत कहना कि मेरे बच्चे मेरे अंकुश में नहीं आए, ये मत कहना कि मेरे बच्चे गलत दिशा में चले गए हैं। आप इसके जिम्मेदार होंगे तब।
इसलिए आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को अपने अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाइए और अपने माता पिता को सम्मान करना मत भूलिए। आपको एक चीज बताऊं, मैं जब बुढ़ापे की अवस्था आती है, जर्जरता की अवस्था आती है, तो माता पिता को आपका धन द्रव्य नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपके घोड़े नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए, आपके आपके माँ बाप को बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपका सिर्फ सम्मान चाहिए। बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपका सिर्फ सम्मान चाहिए। आप घर में आते हैं, कहीं से भी आकर के चरण स्पर्श कर लेते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं। अभी आप लोग थोड़ा शांति से बैठे रहे 10 मिनट, उसके बाद में जो कुछ करेंगे 10 मिनट। आपके बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपके बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए, आपके गाड़ी नहीं चाहिए, आपके घोड़े नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को बुढ़ापा में आपका सिर्फ सिर्फ सम्मान चाहिए। क्या आप अपने माता पिता को सम्मान दे पाते हैं? माता पिता आपकी धन की लड़ाई नहीं करेंगे। माता पिता को आप सिर्फ सम्मान दीजिए। आप कहीं भी जाते हैं तो चरण स्पर्श करके जाइए। और रोज कोई नौकरी में है, कोई नौकरी में है, चरण स्पर्श करके जाता है तो नौकरी में जाता है, चरण स्पर्श करके ऑफिस में ऑफिस या ड्यूटी में जाता है तो उनके आते तक माताएं आह भरती है, पिता आह भरते हैं कि मेरे बच्चे अब आने वाले हैं, मेरे बच्चे आने वाले, उनके आशीर्वाद आपके साथ होता है। बुढ़ापा में माता पिता को आपका धन संपत्ति नहीं, बल्कि बुढ़ापे में कभी कभी आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुढ़ापे में माता पिता की रोज आप चरण स्पर्श कर लीजिए। बुढ़ापे में माता पिता की कम से कम कभी त्योहारों में कभी कुछ उपलक्ष्य होता है तो माता पिता की आरती उतार लिया करे, माता पिता की आरती उतार लिया करे, माता पिता के गले में हार चढ़ा लिया करे, माता पिता को कुछ भेंट दे दिया करे। उनकी ही संपत्ति है, उनकी ही संपत्ति को उन्हीं को अर्पित करना है, क्या जाता है हमारा? इसलिए तेरा तुझको सौंपता, क्या लागा है, क्या लागे मेरा है। आपका संपत्ति है, मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ। जब आप उनके ही गले में हार चढ़ाते हैं, उनके सामने एक दीप प्रज्वलित करके आरती ले लिया करते हैं, उनके चरणों में मत्था टेक लिया करते हैं कि उनको जीने का सम्बल मिल जाता है, उनके चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाती है, उनको जीने के लिए एक नया टॉनिक मिल जाता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे को सम्मान देते हैं, मैं धन्य हूँ अपने आप को समझता है, धन्य हूँ मेरे कोख से ऐसा पुत्र पैदा लिया है जो मुझे आज जीने का तरीका बता रहा है, आज मुझे जीने के लिए सहज जीवन मुझे हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, आज मैं प्रेम और आनंद का जिंदगी जी रहा हूँ। आपके बच्चे आपके माता पिता ये महसूस करना शुरू कर दे तो आप मानना कि आपके बुढ़ापे में भी आप ये चीज महसूस करेंगे। इसलिए माता पिता को कभी तिरस्कृत मत करना। बड़े बड़े बिल्डिंगे बनते चले जाते हैं, 10 मंजिला 11 मंजिला 12 मंजिला मकान बनता चला जा रहा है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-50 कमरे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो कि उस बड़े बड़े बिल्डिंगों में एक ऐसा कमरा नहीं होता, एक ऐसा जगह नहीं होता है 5 फीट का जगह जहां माता पिता को प्यार। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना था और बहुत सुंदर मकान बनाया गया था, संतों का वहां स्वागत किया गया, प्रवेश करते समय लिखा गया था मार्बल बिछा हुआ है, सभी तरफ टाइल लगाया है, फॉल्स सीलिंग किया गया है और उसमें लिखा गया है सामने ही गेट पर मकान के ऊपर में मातृ छाया, मकान में लिखा गया है मातृ छाया। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद संत पूछते हैं घर में कुल कितने सदस्य हैं, पूरे सदस्य की हिस्ट्री बताते हैं, 6 सदस्य हैं। कहते हैं 6 सदस्य में कौन कौन? माता पिता और हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन कुछ दिन पहले अब हम लोग 5 सदस्य हो गए और हमारे हम लोग बीच में 5 सदस्य रहते हैं, पिताजी गुजर गए।
ये बात सुनते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं कौन कौन है, तुम्हारे बच्चे कौन है, बच्चे सामने बैठे थे ये बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी कौन है, ये पत्नी है बताते हैं, तुम्हारे माँ कौन है। जिस समय माँ कौन है पूछते हैं, उसी समय संयोग ऐसा है कि उनकी पत्नी कमरे में चली गई कोई काम से किचन की ओर। उनके घर मालिक बोलता है, संत जी महाराज जी मेरी माँ यहाँ नहीं है, मेरी माँ गांव में रहती है। गांव में क्यों रहती है? संत जी पूछते हैं तो मकान मालिक बोलता है, महाराज जी मेरी माँ के साथ में इनकी पटरी नहीं बैठती है, इनकी पटरी नहीं बैठती है। संत जी समझ जाते हैं कि सास और बहू में पटरी नहीं बैठती है, सास और बहू में पटरी नहीं बैठती है। संत जी समझ जाते हैं और अच्छा से स्वागत सत्कार होता है, अच्छा से मान सम्मान भी करते हैं, अच्छी अच्छी वार्ताएं होती है। लेकिन जाते जाते संत जी एक बात कह करके चले जाते हैं, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहा हूँ। संत जी कहते हैं, घर के मालकिन कहते हैं, क्या बात है महाराज जी, बताइए आप, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। संत जी कहते हैं, तुमने जैसे ही घर में प्रवेश करने के पहले घर में एक मकान में ऊपर में लिखा है मातृ छाया, उसको हटा देना। कहीं क्यों हटाऊंगा महाराज जी, मैं बता रहा हूँ, उसको हटा देना। और कहे संत जी कहते हैं, उसको हटा करके वहां पर लिख देना पत्नी छाया लिख देना। घर मालकिन घर का मालिक बेचारा संकोच से नीचे सर नीचे कर देते। क्यों कहा संत ने ऐसा? क्योंकि वहां माँ की छाया नहीं है, वहां माँ की छाया नहीं है, माँ कहीं दूर रहती है, माँ से नफरत है, माँ से माँ की बात बहुत सुनना नहीं चाहती है, तो मातृ छाया लिखने से क्या फायदा है। इसलिए संत ने कहा वहां पर पत्नी छाया लिख देना, मातृ छाया हटा देना। कहीं आपके जीवन में भी तो ऐसा नहीं है? जिस माँ बाप ने अपने कोख से बच्चा को पैदा किया और पैदा करके इस योग्य बनाया और इतना सुंदर जीवन का निर्माण किया, अब पत्नी के अंकुश में चलते चलते माँ बाप को अपमान करना शुरू कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बुढ़ापा सुखद कैसे हो, इस यात्रा की मैंने शुरुआत की है और शुरुआत की है तो मैंने बुढ़ापा की यात्रा जन्म से लिया। जन्म लेते हैं उसको संस्कार कैसे देना है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, अब बूढ़े बुजुर्ग हो जाने के बाद अपने जीवन को कैसे जीना है। आजकल मोबाइल का साधन है, मोबाइल में कुछ कुछ संतों का विचार सुनो, भ्रांतियों में मत पड़ो। एक चीज और करना चाहूंगा मैं कि भ्रांतियों में मत पड़ो, अपने जीवन पर अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, पंडितों के जाल पर मत फंसो। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर भैया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके अंगा नदिया बहे क्यों शोकस मरे प्यास। कर भैया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। सद्गुरु कबीर साहेब एक विलक्षणा दे करके कह रहे हैं, ए लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, अपने बाहों बल पर, अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। छाण बिरानी आस, दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो, कोई साथ देने वाले नहीं है, कब कौन साथ देगा कोई ठिकाना नहीं है। पत्नी ही अपने दूर हो जाती है, बच्चे ही अपने दूर हो जाते हैं, सब पराए हो जाते हैं, अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करो बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, आओ अपने बाहुबल पर भरोसा रखो और दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो। और दूसरी तीसरी बात कहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही हो वो आदमी प्यासा मरे, कितना विलक्षण बात है। जिसके आंगन में ज्ञान की नदी बह रही हो, ये पूरा प्रकृति खुली किताब है, पूरा प्रकृति को पढ़ करके हम जीवन को बदल सकते हैं, अपने ही जीवन को देख करके हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, पूरे समाज को पढ़ सकते हैं कि ये आदमी कैसा दुख पाया, कैसे तकलीफ पाया, मुझे वैसा काम नहीं करना है। ये प्रकृति पूरी खुली किताब है, सबको पढ़े हम सबके जीवन को और जीवन को सही दिशा की ओर ले जाए, जीवन को सही दिशा की ओर ले जाए। अपने बाहों बल पर भरोसा रखे,
और दूसरे के बाहों बल पर भरोसा मत रखे। बड़ी अद्भुत सी बात है, आदमी को अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है, अपने हाथ की कमाई पर भरोसा नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई पर भरोसा नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, आज की इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा नहीं है? जब आदमी मकान बनाता है तो छड़ सीमेंट गिट्टी रेत सारे चीज मिक्स करके मकान बनाता है और इंजीनियर को पूछता है कितना एमएम का छड़ डालना है, मिस्त्री से राय लेता है, बहुत सुंदर मकान बनाता है और मकान का नींव भी मजबूत करता है। लेकिन दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, जब मकान बनता है तो मकान बनते बनते मकान के इंजीनियरिंग सब कुछ देख रहा है। मकान बनते तक उनको डर नहीं था, मकान बन गया, खड़ा हो गया, अब मकान के इंजीनियरिंग पर उनको भरोसा नहीं है। मकान के इंजीनियरिंग पर उनको भरोसा नहीं है, मकान में जो इंजीनियरिंग हुआ है, छड़ लगाए, सीमेंट लगाए, उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर होता है बताऊं? मकान के सामने नींबू और मिर्चा कूद करके रख देता है, उस पर भरोसा है, लेकिन मकान के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। मकान के सामने नींबू और मिर्चा लगा दिया, मकान कभी टूटेगा नहीं, मकान के अंदर कोई आदमी मरेगा नहीं, मकान के अंदर किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, मकान के अंदर किसी का तबीयत खराब नहीं होगा, कोई जड़ सुधार नहीं होगा, जड़ बुखार नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। मिर्चा और नींबू लगा है, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, मिर्चा और नींबू पर भरोसा है। एक आदमी जयपुर में एक जगह गए थे तो एक आदमी करीब करीब 80 लाख रुपए का मकान बनाया था, 80 लाख रुपए का मकान बनाया, सुंदर मकान का निर्माण किया और मकान निर्माण करने के बाद पूरा मकान तैयार हो गया और मकान तैयार हो गया तो मकान के ऊपर में एक हंडा लटका दिया था, काला काला हंडी, और उसमें सफेद सफेद का टैटू बना दिया था और एक बगल में एक पुराना टायर को लटका दिया था मकान के ऊपर में। एक संत ने पूछा, ये सब गया है, मकान बहुत सुंदर दिख रहा है, टाइल बिछा है, मार्बल बिछा है, फाल सीलिंग हुआ है, मकान एकदम इंजीनियरिंग ढंग से बहुत टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इनमें कोई नुक्स निकालने लायक नहीं है, इतना सुंदर मकान में पुराना टायर क्यों लटका दिया गया है? तो उस बगल के पड़ोसी ने कहा, महाराज जी, मकान में टायर और हंडा इसलिए लटकाया गया है ताकि इसमें किसी का नजर मत लगे। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात, अरे लटकाना ही था तो नया टायर लटका देते, पुराना टायर लटका दिए। फिर संत क्या कहते हैं, एक काम करना, इस मकान में टायर लटकाने से इस मकान में किसी का नजर नहीं लगेगा, तो उनको चाहिए घर मालिक को बता देना, अपने गले में एक नया टायर लटका देंगे, उनको मौत की नजर नहीं लगेगी, मौत की नजर नहीं लगेगी। कैसा विडंबना है, आदमी की बुद्धि कितनी, टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो गाड़ी लेता है तो 80 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी लेता है, उन गाड़ी को एक गाड़ी के निर्माण करने पर कई करोड़ रुपए खर्चा होता है, प्रथम गाड़ी के निर्माण में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसकी बॉडी बनता है, उसका पूरा आकार दिया जाता है, तो उसके लिए एक फर्मा तैयार किया जाता है और फर्मा तैयार करने में कई करोड़ रुपया लग जाता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है, कहीं फैल तो नहीं हो रहा है, बार बार चेकअप किया जाता है गाड़ी का, बार बार चेकअप किया जाता है गाड़ी के बनते समय, कोई फॉल्ट तो नहीं आएगा, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, आप ही आप तो कुछ रिस्क नहीं आएगा, बार बार उस गाड़ी के इंजीनियरिंग करते समय कई बार चेक किया जाता है। एक गाड़ी के निर्माण करने में कई करोड़ रुपया लगता है, जब वही गाड़ी का फर्मा बनता है तो फिर आसानी से कई गाड़ियां तैयार होती है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो कई लाख रुपए की गाड़ी लेता है, उसकी इंजीनियरिंग पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसके वैज्ञानिक द्वारा किए हुए कर्मों पर भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेता है, अब लाल चुनरी बांध लिया उस पर भरोसा है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है,
उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। अब लाल चुनरी बांध लिया गाड़ी में, कभी गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी कभी पंचर नहीं होगा, गाड़ी में किसी की मृत्यु नहीं होगी। आदमी की बुद्धि कैसे जटका गई? क्यों आप अपने जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाती हैं? सद्गुरु कबीर का ज्ञान ऐसा करारा जवाब है। कल मैं इसलिए बहुत प्रकाश कई चीजों पर कहा मैं कि देवता भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं इस दुनिया में। इंसान के अलावा कोई इंसान के अलावा कोई भगवान ही नहीं। स्पष्ट उदाहरण बताऊं मैं, जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो सारे भगवान के दरवाजे लॉक कर दिए गए थे, कोई भगवान का दरवाजा नहीं खुला था। एक ऐसा ही भगवान का दरवाजा खुला था जो कि सबका सहयोग किया, सबको जीवित किया। वो जानता था कि आदमी संक्रमित है, इसके पास जाऊंगा तो मुझे भी संक्रमित हो सकता है, मैं भी मर सकता हूँ, पर वो भगवान ने हम सबको जिंदा किया। वो इंसान रूपी भगवान, इंसान रूपी भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहा और उन लोगों ने इस दुनिया को बचा करके निकाल दिया, संक्रमित होने से बचा लिया कोरोना महामारी में। इंसान ही भगवान। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए, अपने बाहों बल पर। सद्गुरु कबीर साहब इस तड़के से कहते हैं, करो बहिया बल अपनी छाण बिरानिया, जाके आंगन नदिया बहे क्यों सोकस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन में नदी बह रही हो, तुम प्यासे मर रहे हो, ज्ञान का नदी बह रही है, बह रही है और तुम प्यासे मर रहे हो, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। आज भी जागने का अवसर है, आज भी जागने का अवसर है। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। पानी में रह करके कोई मछली प्यासी हो, मुझे सुन करके हंसी आती है। हम सब भी तो वैसे प्यासे हैं, हम सब भी तो वैसे प्यासे हैं, जो प्यास से तड़प रहे हैं। सही ज्ञान की धारा बह रही है, उससे हम प्यावन पानी नहीं पी पा रहे हैं। इसलिए हम सबको आत्मज्ञान की जरूरत है और ऐसे ही विचार चाहिए जीवन को बदलने के लिए। आने वाले पीढ़ी को नए संस्कार दीजिए। आप लोगों से कल भी कहा था, कुछ छोटे मोटे सत्संग कथा कर लिया करो, घर में परिवार में। कर्म कांड से अपने को बचाइए, गुरुओं से जुड़िए, सही गुरु से जुड़िए। और सही गुरु का मतलब ये होता है उनका ज्ञान साफ हो, उनका आचरण साफ हो, उनके ज्ञान में कर्मकांड ना हो, उनके ज्ञान में पाखंड ना हो, वो गुरु सही गुरु है। और ज्यादा प्रयास हो कि विरक्त संतों से जुड़िए, जो समाज के लिए जीते हैं, जो सिर्फ परिवार के दायरे पर मत बंधे हो, उन गुरुओं से जुड़िए, समाज के लिए जीते हो और जिनका ज्ञान और आचरण कर्मकांड से अच्छा हो, कर्म कांड ना हो, ज्ञान और आचरण अच्छा हो, ऐसे लोगों से जुड़िए तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा सुखद होगा और आप सुखद बुढ़ापा की यात्रा करेंगे। आप सुखद बुढ़ापा की यात्रा करेंगे और सुंदर जीवन का निर्माण करेंगे और अपने जीवन को तराशते चले जाएंगे। और कभी इस विषय पर आप लोग सुनना चाहें तो हमारे आजकल यूट्यूब का माध्यम है, उससे आप लोग सुन सकते हैं। आप लोग काफी देर से बड़े ध्यान से विचारों को सुने, आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है। मैंने तीखी शब्दों का भी प्रयोग किया, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रकृति का नियम को बताया है मैंने, मैंने अपने से बना करके नहीं कहा। मैं कोई चीज थोपना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा मैं कभी ये चीज नहीं कहूंगा कि मेरे से जुड़ो, मेरे से हमारे संतों से हमारे मेरे ही गुरुजनों से जुड़ो तो आपकी कल्याण हो जाएगा, मैं ये चीज नहीं कहूंगा। क्योंकि कल्याण कोई पदार्थ नहीं है कि जो मेरे से जुड़ने से मिल जाएगा। कल्याण आपकी मन की अवस्था है, मोक्ष आपकी मन की अवस्था है। आप मन को पवित्र करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। कल्याण मुक्ति, मुक्ति मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है। आप जैसे जैसे जीवन जिएंगे वैसे वैसे मिलेगा। इसलिए मैंने सही सही जो चीज समझ में मेरी बुद्धि में जितनी आई मैं कहने का प्रयास किया और आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं। और राम, हमसे पहली बार कहना चाहिए इस जगह में आना हुआ और राम जन्म जी से पहली बार मुलाकात हुआ। YouTube के माध्यम से कहीं से वो विचार सुने थे, उनको विचार अच्छा लगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं कहा भी उनको कि हम इतना दूर से आएंगे, आपका बहुत काफी खर्चा हो जाएगा और नजदीक के लोगों को बुला लीजिए। मैंने एक दो बार कहा भी उनको,
तो कहे हमारे नजदीक में कोई नहीं है, आप आ जाइए। तो उनके रिक्वेस्ट पर हम लोग यहाँ पर आए और मुझे अच्छा लगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को मेरी बात कुछ अच्छी लग रही है, हमारे संतों की बात अच्छी लग रही है, आदरणीय संतों की। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, यहाँ आने के बाद कोई लौट करके नहीं गए, पूरा सब लोग कल भी और आज भी सुनते रहे। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद, राम जन्म जी को अनेक अनेक धन्यवाद, जो कि अपने निजी संपत्ति का कुछ अंश निकाल करके इस धर्म और परमार्थ के काम में लगाए और अपने आप में महसूस कर रहे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे काम आप सब भी करें और आप सभी की ओर से एवं संत समाज की ओर से राम जन्म जी को अनेक अनेक धन्यवाद और आप सभी को संत समाज की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।